जो अभी ये डिमोनेटाइजेशन किया है उसके बारे में आपको क्या बोलना है? 500 और हजार बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ दिल से कि हमेशा हर कोई कहता था, देश का बच्चा बच्चा कहता था कि काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा, करप्शन कब खत्म होगा। तो अच्छी बात है मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है। हाँ डेफिनेटली सबको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो हर चीज के लिए जिंदगी में सरवाइव करने के लिए तकलीफ होती है। 50 दिन दिए हैं और 50 दिन में पूरा काला धन गायब हो जाएगा और करप्शन भी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा और 50 दिन में हिंदुस्तान की जनता बहुत ही उनके अच्छे दिन आने वाला है। और जब जैसे उन्होंने कहा था कोई चमचागिरी किसी, मैं कभी जिंदगी में किसी की चमचागिरी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। बहुत दुख है कि कुछ लोग जो है एक्सपायर हो गए हैं, लाइन में खड़े हो के, बहुत दुख है इस बात का, लेकिन मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत। राखी मुझे पता है कि आप सच बोलती हैं जी, एंड डोंट फील ऑफेंडेड। हाँ सच सच बताना कितने 500 और 1000 के नोट जमा किए बैंक में? हाय हाय नहीं ज्यादा नहीं, 10-20 हजार थे वो कर दिए। हम आर्टिस्ट है, अगर हम काम करते हैं, हम डांस करें, एक्टिंग करें, तो हम लोग तो व्हाइट वाले, व्हाइट कॉलर वाले, हमको हर जगह से TDS काट के पूरे चेक मिलते हैं, तो पूरे हम तो टैक्स भर भर के थक गए। और मैं कोई मंत्री शंत्री तो हूं नहीं, ये तो कपड़े इन्होंने मंत्री वाले पहने, वधर ये भी नहीं है, हम सब व्हाइट वाले हैं और हमारे पास कोई काला धन नहीं, कोई काला धन नहीं हमारे पास। उल्टा कोई हमें कैश देता है तो हमें डर लगता है कि ये कैश तो पहली बात हमें मिलता ही नहीं, हम लोग टोटली चेक वाले।